नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का ये पैटर्न लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड। इसको बनाने के लिए हमने 10 मल्टीपल प्लस 4 फंदे अपने प्रोजेक्ट के लिए लेने हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे ये मैंने बनाया। अगर आप ऐसे कर बनाएंगे तो स्क्रैप बॉर्डर की तरह ये डिज़ाइन बनेगा, या फिर आप बॉर्डर बनाने के बाद भी इस डिज़ाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए जो मैंने किया है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप बॉर्डर बनाएंगे, सेम बॉर्डर बनाने के बाद जो है आपने ये फर्स्ट रो है हमारी, फर्स्ट रो सीधी साइड और इन सभी फंदों को सीधा बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो को सीधा बनाते हुए हमने कंप्लीट किया। अब आएंगे सेकंड रो रॉन्ग साइड। ये देखिए, इसमें हमने सभी फंदे जो है उल्टा बनाते हुए इसे हमने कंप्लीट करना है। ये है हमारी सेकंड रो। ये देखिए, अब है राइट साइड। राइट साइड थर्ड रो हमारी, ये वाले फंदे भी हमने सीधे बनाते हुए इस सिलाई को भी हमने कंप्लीट करना है। ये देखिए, थर्ड रो को भी सीधा बनाते हुए हमने कंप्लीट किया। इसमें मैंने दो जो रो है वो मैंने सीधी बनाई है और एक रो जो है सेकंड वाली वो मैंने उल्टी बनाई है। अब ये हमारी तीन रो मैंने ये बना दी है। अब उसके बाद जो है आएगी हमारी फोर्थ रो रॉन्ग साइड से। अब इसमें हमने जो है रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे बनाने हैं। ये देखिए, ये हमारी फोर्थ रो है। फोर्थ रो से हमने ये सीधा बनाना है इसको उल्टी साइड से। इसको भी हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, फोर्थ रो को हमने रॉन्ग साइड से सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया। ये हमारे फंदे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये हमारे गैप करने के लिए जो है ये मैंने तीन सिलाइयां जो बनाई है वो उल्टी सीधी बनाई। जैसे फर्स्ट वाली हमने सीधी बनाई, सेकेंड वाली हमने उल्टी बनाई और थर्ड वाली हमने सीधी बनाई और फोर्थ वाली जो है हमने रॉन्ग साइड से सीधा बनाते हुए इसे हमने कंप्लीट किया। इतना तो ये हमारा हो गया। अब जो है हम इस पर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए ये देखिए, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए, दो फंदे मैंने सीधे बनाए। उसके बाद धागे को हम अपनी साइड करेंगे और दो फंदों पर हम जाली बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और दो फंदों पर हमने ये जाली बनाई, फिर सीधा ही बनाएंगे। धागे को हम दो बार लपेटेंगे, एक और दो। ये देखिए, फिर एक और दो। ये हमने कितने फंदे बनाए? दो फंदे बनाए। अब उसके बाद ये तीन, चार और पांच, पांच फंदे हमने धागा लपेटते हुए बनाने हैं और दो बार हमने धागे को लपेटना है। अब ये वाला फंदा एक जो है ये सीधा बनेगा। ये देखिए, ये 10 फंदों का जो है ये डिज़ाइन है। अब देखिए, धागे को हम अपनी साइड करेंगे। एक, धागे को अपनी साइड करा। दो, धागे को अपनी साइड करा। तीन, धागे को अपनी साइड करा। और चार, यहाँ पर हमने जो है चार जाली बनाई है। बीच में जो है हमने चार जालियाँ बनानी है। इस साइड में हमने दो जाली बनाई है डिज़ाइन को सेट करने के लिए। फिर देखिए, धागे को दो बार घुमाएंगे और इसको पांच बार बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच बार बनाया। पांच बार जब हम धागा लपेट कर बनाएंगे उसके बाद हमने एक फंदा जो है ये सीधा बनाना है, ये ऐसे। अब इसके बाद जो है हमने जाली बनानी है, तो धागे को हम अपनी साइड करेंगे और इस पर हम चार जाली बनाएंगे। ये एक, दो, धागे को अपनी साइड, तीन, धागे को अपनी साइड और चार जाली। ये हमारी ये हो गई। अब चार जाली के बाद जो है धागे को हमने दो बार घुमाना है। एक, दो, तीन, चार और पांच फंदों पर दो बार धागा लपेटते हुए इस तरीके से हमने इसको बनाना है। अब इसके बाद लपेटने के बाद धागा, अब इसके बाद हमने सीधा फंदा बनाना है। फिर धागे को अपनी साइड करेंगे और जाली बनाएंगे। एक जाली, धागे को अपनी साइड करेंगे, दो जाली।
ये हमारी दो जाली बनी। स्टार्टिंग में भी हमने दो जाली बनाई थी और लास्ट में भी हमारी ये दो जाली बनी है। अब ये दो फंदों को हम सीधा बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी फिफ्थ रो जो है इसी तरीके से बनेगी राइट साइड से। अब बनाएंगे सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड से। इसमें हमने क्या करना है, ये देखिए सीधी उल्टी साइड से हमने सीधा बनाना है। तो ये देखिए एक फंदा मैंने ये सीधा बनाया, दो फंदे हमने सीधे बनाए, ये भी हमने सीधे बनाने हैं। ये देखिए ये दो फंदे तो है, एक हमारा एच फंदा है और एक फंदा हमने सीधा बनाया। अब क्या करना है हमने, ये देखिए हमने चार दो जालियां बनाई थी, तो अब हम हमारे यहाँ पर जो है चार फंदे होंगे। जैसे ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4 जाली वाले हो गए। अब ये जो हमने धागा लपेट कर बनाए थे ये वाले से पहले हमने जो है बाद में ये जो है हमने एक फंदा सीधा बनाया था, तो ये वाला फंदा जो है ये हमारा सीधा ही बनेगा। ये देखिए अब ये जो हमने जाली ये लपेटे थे धागे को, अब पहले हम अपनी साइड करेंगे। अब ये धागे जो लपेटे थे ये अब जो है हम इनको खोल देंगे। तो ये हमारे 5 फंदे थे, तो ये देखिए 2 हो गए हैं, ये 3, 4 और 5 5 फंदे हो गए। ये हमने अपनी राइट सिलाई पर लेना है, धागे को पीछे की साइड करेंगे। अब ये देखिए ये बीच वाले जो हमने जाली बनाई थी ये हमारी 4 जालियाँ थी, 4 जाली थी, तो हमारे ये फंदे जो हैं बढ़ गए हैं, तो ये हमारे 8 फंदे होने चाहिए। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 8 फंदे हो गए। अब ये देखिए जो हमने धागा लपेटा था उसके बाद जो है हमने एक फंदा सीधा बनाया था ये वाला, तो इस फंदे को भी हमने ये हमारा 9th हो गया फंदा। इस फंदे को बनाने के बाद धागे को हम अपनी साइड करेंगे और ये 5 फंदे जो हमने लपेटे थे इसको हम ये खोलेंगे। ये हमने खोल दिए, फिर ऐसे ही ये देखिए हो गए 5 फंदे हमारे, 2 ये और 3 ये, 5 फंदे हो गए। फिर धागे को दूसरी तरफ करेंगे और इन फंदों को, ये हमारे 8 फंदे होंगे। ये देखिए 2 बनाए, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे हो गए। ये देखिए ये धागा लपेटने से पहले एक फंदा ये सीधा बनाया था हमने उसके बाद, और इस फंदे को हम भी सीधा बना देंगे। ये 9 फंदे हमारे जो हैं सीधे बनेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और इन फंदों को खोलेंगे। 6th रो जो है हमारी इसी तरीके से रॉन्ग साइड से कंप्लीट होगी। अब बनाएंगे 7th रो राइट साइड, और ये डिज़ाइन जो है 10 फंदों का डिज़ाइन है। तो ये देखिए इसमें हमने ये क्या करना है, ये जो हमारे फंदे थे ये हमारे 5 फंदे थे जिस पर हमने धागा लपेटा, 5 फंदे हमारे ये हो गए, और 4 फंदों पर जो है हमने जाली बनाई। जाली बनाने के बाद जो है इसके बीच में एक फंदा हमारा सीधा आया था, तो ये 4 ये हो गए, 5 ये हो गए और 5 फंदे हमारे ये हो गए। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे 10 फंदे का ये डिज़ाइन बनता है। अब बनाएंगे 7th रो। 7th रो में हम राइट साइड से बनाएंगे, तो राइट साइड हमारी ये देखिए, ये जो हमने फंदे उल्टे बनाए थे ये सभी फंदे जो है हमारे इस तरफ से सीधे बनेंगे। ये देखिए ये तब तक सीधे बनेंगे तब तक हमारे ये वाले जो फंदे लपेटे वाले फंदे हैं यहाँ तक जितने फंदे आएंगे आप सीधे बनाएंगे। सीधा बनाने के बाद जो है धागा हमारा उसी साइड रहेगा। अब इन फंदों को, 5 फंदों को हम राइट वाली सिलाई पर ले लेंगे। फिर अब ये वाले फंदे जो हैं इन सभी फंदों को हमने सीधा बनाना है। ये देखिए ये सभी फंदे जो हैं सीधे बनेंगे यहाँ से, और ये तब तक बनाना तब तक हमारे ये वाले फंदे नहीं आ जाते। धागा हमारा इसी साइड रहेगा और इन सभी फंदों को हम राइट वाली सिलाई पर ले लेंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। इसी तरीके से हमारी 7th रो जो है कंप्लीट होगी। देखिए 7th रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आएंगे 8th रो रॉन्ग साइड। इसमें हमने क्या करना है, ये देखिए इस साइड से अब ये सभी फंदे जो हैं हमारे उल्टे ही बनेंगे। तो ये फंदे उल्टे बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद जो है ये देखिए ये फंदे हमने उल्टे बनाए। अब ये वाले जो फंदे हैं जो 5 फंदे थे धागा लपेटकर जो हमने बनाए थे, इन फंदों को ये देखिए इस तरीके से लेंगे सभी फंदे और इन फंदों को उल्टा ही बनाएंगे ये ऐसे, और अब ये फंदे जो हैं इनको हम निकाल देंगे।
फिर उल्टा बनाएंगे। उल्टा बनाया, अब ये हमारे पांच फंदे हैं। इस सिलाई को हम इस राइट वाली सिलाई पर लेंगे और इसको हमने उल्टा ही बनाना है पांचों फंदों को। अब इस फंदों को हम निकाल देंगे, ये हमारे ये हो गए। ये वाली सिलाई एट्थ रो हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है हमारा बनकर रेडी हो चुका है। हमने ये जो है गैप आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमने ये डिज़ाइन बनाया। अब ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन हो गया। अब वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था, यानी एक सिलाई ये हम सीधी बनाएंगे, फिर एक सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, फिर एक सिलाई हम इसमें सीधी बनाएंगे और फिर उल्टी साइड से हम इसको सीधा बनाते हुए इसको करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो ये गैप करने के लिए है, आपने जो है ये बनाना है। पहले सीधी सिलाई बनेगी, फिर सेकेंड उल्टी बनेगी, थर्ड हमारी सीधी बनेगी और फोर्थ वाली उल्टी साइड से सीधा बनाते हुए इसे हमने कंप्लीट करना है अपने इस डिज़ाइन को। इस डिज़ाइन को आप शॉल में डाल सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं, बेबी फ्रॉक पर आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है और बनाना भी फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।